कविता? टेल मी, वेरी गुड। टेल मी द अबाउट कि हमने आज क्लास में क्या किया? Yeah, today we discussed about the watercolor and we are discussing what is watercolor and how to use it and what is the technique of watercolors and which watercolor will be best for the illustration. And in that method is the important thing, and we are learning about the method. And first method is wet on wet method. Very good. So in this method we will use the water as a base, and in that we will mix the color with the water and we'll apply in very good. तो सारे स्टूडेंट ने इसी तरह से लिखा है जैसे मैंने बोला, आप लोग वैसे ही लिखा करें जैसे मैं बोलती हूँ, ठीक है? उससे क्या होगा, आप लोगों को क्लास अच्छे से अंडरस्टैंड होगी, ठीक है? इसके बाद मटेरियल मैंने जो बताया है वो, आप ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो एक बार मटेरियल जरूर चेक करना, और जब भी वाटर कलर का क्लास, आप लोगों को इस मंथ में और है वाटर कलर का क्लास, तो प्लीज आप लोग अपने मटेरियल रेडी रखिएगा, ठीक है? यस मैम। तो समझ में आया आप लोगों को? करने में मजा आया? जानवी को तो मैंने देखा ही नहीं, मुंडे हिला रही है बस। दिखाओ तुम्हारा वर्क, दिखाओ वर्क दिखाओ। कविता ने दिखाया, फिर दोस्त ने दिखाया। हाँ, ट्राई अच्छा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जब फर्स्ट क्लास थी तो मैं तो इससे भी ज्यादा हॉरर बनाई थी, पर मैं तो आर्टिस्ट थी तो मेरे को करने में मजा आ रहा था। हाँ ठीक है तैबा, कोशिश अच्छी की है, अभी प्रैक्टिस बहुत सही है। एंड जिसका भी जिस भी सब्जेक्ट्स में वीक है वो डेली करेगा, डेली कनेक्ट करेगा। एंड जानवी स्पेशली तुम पोजेस को लेके प्रैक्टिस करो। एंड अमरीन आपका रोबोटिक फिगर को बार बार ट्राई करो। अमरीन का तो कैमरा ही ऑन नहीं है भाई। अमरीन अपना कैमरा ऑन करो, बात करो मुझसे। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। आप अमरीन नहीं, पाकिस्तान वाला नहीं, अमरीन चिपा। अपना कैमरा ऑन कीजिए और मुझे बताइए कि आपको अंडरस्टैंड हुआ। अमरीना ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। क्लास समझ में आई? क्लास अपलोड हो जाएगा तो बैठ के एक बार क्लास देखना और प्रैक्टिस करना, ठीक है? ओके मैम। एंड रोबोटिक फिगर की प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत अच्छे से। ओके मैम। चलो मैम, नाउ एनी डाउट अबाउट द क्लास? अभी हम सिर्फ क्लास से रिलेटेड बात करेंगे, द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अगर कोई और बात करना है, नेहा मैम को दे दो, कनेक्ट कर लो। अगर बहुत स्पेशल बात करना है मुझसे तो आप मेरा टाइम ले लेना और मुझे कॉल कर लेना, बट क्लास में हमेशा हम क्लास से रिलेटेड ही बात करेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमको एक एक सेकेंड इसमें सीखने में डालना है, क्लियर है? सो जानवी, आप एक बार और प्रैक्टिस करोगे, एक बार नहीं 3 बार प्रैक्टिस करोगे। शेप चेंज कर लेना, ट्रायंगल बना लेना, रेक्टेंगल बना लेना, शेप चेंज कर करके प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा करने में। क्लास वर्क ये है कि क्लास खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे, फोटो खींचेंगे और नेहा मैम को भेजेंगे, ईच सिंगल स्टूडेंट। फिर असाइनमेंट क्या होगा चेक करने के बाद नेहा मैम आपको बताएंगी। ये वीडियो आप लोगों के क्लास खत्म होने के बाद मैं अपलोड कर दूंगी, लिंक आप लोगों को शेयर करा दूंगी ताकि आप लोग इसको बार बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर मेरी रिक्वेस्ट यही है कि बस यही एक वीडियो है जो मैं कंप्लीट रिकॉर्डिंग करी हूँ। वाटर कलर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लीजिएगा, अदरवाइज कोशिश कीजिए सारे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करने की और अटेंड करने की, ठीक है? नाउ एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास से रिलेटेड है वो पूछो, और नहीं है तो हम बाद में बात करेंगे। वाटर कलर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। फिर दोस्त किया, अच्छा लगा, मजा आया? हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो हम बोल सकते हैं क्लास मजे की थी, जैसे पाकिस्तानी बोलते हैं ना बड़े मजे का है, तो क्लास भी बड़े मजे की थी। हाँ अनामिका, डू यू अंडरस्टैंड कि क्या क्लास चली? आप तो एकदम अंधेरे में हैं, आप दिख ही नहीं रहे। हाँ थोड़ा रोशनी करके बैठा करें, मुझे अच्छा लगेगा आपको देखूंगी तो। एक्चुअली मेरे पीछे ना मैम विंडो है तो वो शैडो अपोजिट पड़ता है। आई एम गोना पुट कर्टन हियर। मेरा कर्टन खराब हो गया है। नहीं खराब नहीं है, नहीं वो लगता नहीं है कर्टन, अदरवाइज मेरा फेस। ओके ठीक है। सो समझ में आ गया वेट एंड वेट का मेन फंडामेंटल्स क्या था, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो गीला होना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है ताकि वो वाटर आपके जो ड्राइंग से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में सीखेंगे। होपफुली आप सारे लोग इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और सामान मटेरियल जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप लोग रेडी रखेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में कुछ और मेथड सीखें तो हम लोग को करने में मजा आए। ठीक है, अभी तो कुछ स्टूडेंट्स के पास नहीं था तो आई थिंक उन्होंने नहीं किया प्रैक्टिस, बट कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट कमिंग क्लास तक आप लोगों के पास मटेरियल रेडी रहे। क्लियर है जानवी? मैम आई एम फाइंडिंग डिफिकल्टी व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग कि कौन सा ये एग्जैक्टली वाटर प्रूफ शीट है। आपने जो लिंक दिया था उसके थ्रू मैंने लिया था ये वाला बुक, बट इसमें वाटर है ना बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है। तो वही तो सीन है, वाटर प्रूफ नहीं, वाटर बेस। अच्छा आप ये बताओ, अगर आपकी सीट वाटर अब्सॉर्ब नहीं करेगी तो इफेक्ट कैसे देगी? हाँ, हम आगे जाके जब बहुत सारी क्लासेस हो जाएगा, जब प्रैक्टिकल शुरू होगा आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर में, तब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे अलग अलग शीट में अलग अलग कलर मीडिया के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, क्लास इज ओवर।